अब कप हो जाए। चलिए अब बात करते हैं क्रिकेट के महामुकाबले की। इंग्लैंड का वर्ल्ड कप अभियान आबाद गति से आगे बढ़ रहा है। अपने दूसरे लीग मैच में कल उसने बांग्लादेश को धो डाला। इंग्लैंड को जीत के लिए 125 रनों का लक्ष्य मिला था। उसने 14.1 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सर पर दौड़ रहा है इंग्लैंड का वर्ल्ड कप अभियान, धूमधाम से पास कर रहा है हर इम्तिहान। इसे कहते हैं जीत चैंपियन स्टाइल। कोई हाराकिरी नहीं, हल्ला बोल जीत। जिस बांग्लादेश को यूएई के पिचों पर तोप समझा जा रहा था, उसने इंग्लैंड को 125 रनों का लक्ष्य दिया था। जेसन रॉय और बटलर की जोड़ी ने पहले 4.4 ओवरों में ही 39 रन जोड़ दिए। इस मुकाम पर इंग्लैंड को एक झटका लगा, लेकिन बांग्लादेश को राहत फिर भी नहीं मिली। रॉय एकदम रंग में थे, उन्होंने आन बान शान से ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी जड़ी। सिर्फ 38 गेंदों पर उन्होंने 61 रन ठोके। इस पारी के आगे बांग्लादेश को सरेंडर करना पड़ा। बांग्लादेश के लिए सिर मुंडाते ही ओले पड़ने जैसी बात हो गई थी। पावर प्ले में ही उसकी कमर टूट गई। 3 विकेट धड़ाम रहे, इनमें से 2 मोइन अली ले उड़े। रही सही कसर रन आउट ने पूरी कर दी। बांग्लादेश के लिए ये मैच दर्द का दूसरा नाम बन गया। आज तक और चलिए अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की। आज वर्ल्ड कप पे सिर्फ एक मैच खेला जाएगा। ये मैच होगा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच। दोनों टीमें अपना पहला लीग मैच जीत कर आ रही हैं। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे दुबई में खेला जाएगा। रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच करो या मरो वाली जंग है। जो टीम हारेगी उसके लिए सेमीफाइनल के दरवाजे एक तरह से बंद हो जाएंगे। परेशानी यह है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड भारत को बहुत तंग करती है। ऐसे में भारत के लिए यह इम्तिहान कैरेक्टर टेस्ट जैसा होने वाला है। पहले भारत, फिर न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान आराम से सेमीफाइनल की ओर बढ़ चला है। लेकिन थोड़ा ही सही आराम उसने भारत को भी दिया है। ठीक है कि भारत को पाकिस्तान से कोई एहसान नहीं चाहिए, खासकर तब जब उस जीत के बाद जब पूरा मुल्क सनक का शिकार है। हाँ, उस सनक को धिक्कार है, लेकिन मजेदार बात है कि न्यूजीलैंड की हार से भारत के लिए समीकरण तीर की तरह सीधे हो गए। भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला एक तरह से क्वार्टर फाइनल जैसा है। दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति है। जीतने वाली टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं बेहतर होंगी। हारने वाली टीम के लिए आगे का रास्ता एक तरह से बंद हो जाएगा। यहाँ हम ये मानकर चल रहे हैं कि बाकी मुकाबलों में दोनों टीमें अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को हरा देंगी। इस सूरत में रविवार को जीतने वाली टीम ग्रुप में 4 मैचों में जीत के साथ सेमी में जाएगी, जबकि दूसरी टीम 3 जीत के साथ भी बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला पैशन गेम था, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला मुकाबला प्रेशर गेम होगा। प्रेशर दोनों पर होगा, बराबर होगा। कौन बिखरेगा, कौन निखरेगा, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि टॉस किसके हक में गिरेगा, क्योंकि रवायत सी हो गई है, चेस करने वाली टीम जीत रही है। खैर, दोनों टीमों के पहले ग्रुप मैच का विश्लेषण करें तो कुछ चीजें साफ होंगी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 151 रन बनाए, तो न्यूजीलैंड ने 134 रन। यानी जल्दी जल्दी विकेट खोकर भी भारत ने न्यूजीलैंड के मुकाबले 16 रन ज्यादा बनाए थे। भारत के 7 विकेट गिरे थे तो न्यूजीलैंड के 8 विकेट गिरे, लेकिन गेंदबाजी में भारत को एक अदद विकेट तक नहीं मिला था, जबकि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के 5 विकेट चटकाए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने 17.5 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया था, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 18.4 ओवरों में। भारत का नेट रन रेट है 0.97 का, तो न्यूजीलैंड का 0.53। खैर, अब जब ये दोनों टीमें भिड़ेंगी
तो बात अब नेट रन रेट की नहीं रह जाएगी, हारने वाली टीम के लिए हर इनाम ही बचेगा। वैसे अभी से धुकधुकी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में भी समा गई। ऐसा इसलिए कि ये वही न्यूजीलैंड है जिसने 2019 में टीम इंडिया को सेमीफाइनल में हरा दिया था। मानो सदमा फैल गया था पूरे मुल्क में, जबकि उस मैच से पहले विराट की टीम प्रचंड फॉर्म में थी, हर मैच में विरोधियों को रौंद रही थी। न्यूजीलैंड कुछ इस कदर टकराया कि सपना खंड खंड विखंड हो गया। और इसी साल की तो बात है, इसी न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी भारत की हसरतों पर पानी फेर दिया था। और हाँ, T20 वर्ल्ड कप में भारत कभी न्यूजीलैंड से जीता नहीं है। दो मैच हुए हैं, दोनों बार जश्न न्यूजीलैंड ने मनाया। इसी ICC टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड पर भारत को आखिरी बार जीत 2003 में मिली थी। तो इस प्रेशर मैच में टीम इंडिया को नया इतिहास भी रचना है, यानी पराक्रम की संपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित है। आज तक ब्यूरो। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर दिन भर स्पोर्ट्स की खबरें आपको मिलती रहती हैं। आज होने वाले ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका मैच पर भी दिन भर खास कवरेज जारी रहेगी। क्रिकेट की ताजा तरीन खबरों के लिए आप YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाएं। इसके अलावा स्पोर्ट्स तक का ऐप भी आ गया है, यहाँ मैचों की हाईलाइट से लेकर दिग्गजों की राय तक जानने का मौका आपको मिलेगा।